बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे भारतवर्ष देश में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़कर जा रही थी। उसे अपने परिवार के लिए एक ऐसे राज्य की तलाश थी जहाँ सुख और समृद्धि हो, ताकि वो अपने बच्चों के साथ शांति पूर्वक जीवन बिता सके। यूं ही एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़ते हुए एक दिन अचानक वे एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। फूल जैसे पौधों पर मुस्कुरा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा जैसे उन फूलों को झूला झूला रही थी। सारा वातावरण फूलों की खुशबू से महक रहा था। माँ, माँ, नीचे फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, चलो चलो नीचे चलकर पता लगाते हैं कि ये सुंदर राज्य कौन सा है। चिड़िया को लगा कि ये अनुकूल जगह है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ एक घने पेड़ की टहनी पर उतर गई। वहाँ पहले से ही एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रह रही थी। चिड़िया बहन, ये खूबसूरत राज्य कौन सा है? बहन, ये राज्य है उज्जैन। कौन है इस उज्जैन राज्य का राजा? के राजा है राजा भोज। क्या राजा भोज अच्छे राजा हैं? क्या मैं और मेरा परिवार यहाँ सुरक्षित अपना जीवन बिता सकते हैं? चिड़िया बहन, तुम निश्चित होकर यहाँ अपने परिवार के साथ रह सकती हो। हमारे राजा भोज बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय है। यहाँ ना तो चोरी होती है और ना ही डकैती। इस राज्य में सब मिलजुल कर रहते हैं। धन्यवाद बहन। एक बात और बहन, क्या मैं भी इस पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? अवश्य बहन, जिस तरह इस महान पेड़ ने मुझे और मेरे परिवार को आश्रय दिया है, ये तुम्हारे परिवार को भी आश्रय जरूर देगा। क्यों पेड़ भैया? चिड़िया बहन, मैं तो इतना विशाल और छायादार बना ही हूँ लोगों को शरण देने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी छाया और मेरे ऊपर लगने वाले फल का आनंद पूरा संसार ले। चिड़िया बहन, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का स्वागत है। चिड़िया ने भी अपना घोंसला उसी पेड़ पर बना लिया और खुशी खुशी वहाँ अपने नन्हे मुन्नों के साथ रहने लगी। वहीं से कुछ दूरी पर एक गांव था। ये कुम्हार बड़े ही मेहनती थे और दिन रात मिट्टी के सुंदर घड़े बनाते थे। इन घड़ों की मांग पूरे राज्य में बहुत थी, इसीलिए ये कुम्हार धनवान और खुशहाल थे। यहीं पर एक कुम्हार था, ब्रजभान। ब्रजभान का 16 वर्ष का एक लड़का था, चंद्रभान। वो रोज सुबह अपनी भेड़ बकरियां चराने ले जाया करता था। अबे आराम से खा, आराम से खा। अब तेरे बाप का ही खेत है बेटे। अरे मेरी चुनबुन, जा जा जा, शाम तक आ जाना। चलो चलो। वो भेड़ बकरियों को चरने छोड़कर खुद इसी छायादार पेड़ के नीचे इस टीले पर सो जाया करता था। आ, 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 आ,
और जब सुबह से शाम हो जाती तो वो उठता था और अपने भेड़ बकरियों को पुकार कर इकट्ठा कर लेता था। चलो शाम हो गए। अरे आ जाओ। अबे मेरे चुनमुन आ जा, अबे कब तक खाएगा? चलो चलो चलो, माँ याद कर रही है। आ मेरी चंपा चमेली, अरे कहाँ चली गई? आ जाओ। चलो चलो चलो, अबे सब चलो। उसकी आवाज सुनकर सारी की सारी भेड़ बकरियाँ उसके पास जादू की तरह खिंची चली आती थी। 16, 17, 18, 19 और 20 उनको गिनता था और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ता था। बाकी चारवाहों ने जब उसकी ये हरकत देखी तो उन्हें लगा कि चंद्रभान के पास अवश्य ही कोई जादुई शक्ति है, जिसके कारण वो अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह अपने काबू में रखता है। बाकी गडरिये चंद्रभान से जलने लगे और उसे आलसी और नकारा करने लगे, परंतु चंद्रभान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर दिन की भांति अपने भेड़ बकरियों के साथ आता और उन्हें चरने छोड़कर टीले पर सो जाता। और फिर एक शाम की बात है, जब चंद्रभान सोकर उठा तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। वो बाकी गजरियों को जोर जोर से आवाज देकर पुकारने लगा। अबे कोई है यहाँ? कहाँ जाकर मर गए तुम? आपके साथ यहाँ मेरे पास आओ, मैं चंद्रभान तुम्हें बुला रहा हूँ। क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? अरे ये तो चंद्रभान की आवाज लग रही है। हाँ वही तो है, परंतु ये इस तरह से हम सभी को क्यों बुला रहा है? अरे चलो चलो, चल के देखते हैं ना। आओ यहाँ मेरे सामने आकर खड़े रहो। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? इज्जत से बात करो। क्या तुम सब भूल गए कि तुम सब किससे बातें कर रहे हो? मैं हूँ चंद्रभान। सभी जानते हैं, पर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम चंद्रभान कटरिया नहीं इस राज्य के राजा हो। कौन है इस राज्य का राजा? लगता है तू पागल हो गया है। क्या तुम भूल गए किस राज्य के राजा है? राजा भोज। वो राजा भोज, वो तो एकदम नलायक राजा है। उसे तो न्याय करना भी नहीं आता है। मैं तुम सबको आदेश देता हूँ, जाओ और ऐसे बेवकूफ राजा को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। अरे ये तो गया काम से। अगर सैनिकों ने इसकी बात सुन ली तो इसके साथ साथ हम सभी को पकड़ कर ले जाएंगे। अरे भैया निकल लो, नहीं तो इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। निकल लो। अरे कहाँ चले गए सब? ये सब भी टायर। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक को दंड दूंगा, एक एक को।
हाँ? ये मुझे क्या हो गया था? मेरे साथी ठीक कह रहे थे, कहीं मैं सचमुच का पागल तो नहीं हो गया हूँ? माँ, क्या चंद्रभान सचमुच पागल हो गया है जो इतने अच्छे राजा को भला बुरा कह रहा है? पता नहीं बेटा, ये तो समय ही बताएगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। चल चिनमोन। चंद्रभान जब अपने गांव पहुंचा तो सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। यार, चंद्रभान के इस व्यवहार के बारे में सारे गांव को पता चल गया था, और इससे सबसे खुश था चतुरी, जो चंद्रभान के पिता का शत्रु था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था ताकि वो चंद्रभान और उसके परिवार से बदला ले सके। चतुरी ने फैसला किया कि अगले दिन वो चंद्रभान को छिप कर देखेगा। ठीक कह रहे हो भैया, आज अगर चंद्रभान नहीं होता तो मुझे मेरा घोड़ा नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, क्या न्याय किया है। हाँ हाँ, सही न्याय किया है चंद्रभान ने। आज से हम सभी चंद्रभान के पास आएंगे न्याय करवाने के लिए। हैं? चंद्रभान तो एक मामूली गड़रिया है, वो इतने सुलझे तरीके से न्याय कैसे कर सकता है? सारा गाँव तो उसे राजा भोज से भी अधिक बुद्धिमान मानने लगा है। कहीं कुछ गड़बड़ है। और इसी जलन के चलते चतुरी ने चंद्रभान के खिलाफ शहर के प्रमुख सिपाही से शिकायत कर दी। वो प्रमुख गुस्से से आग बबूला हो गया। जाओ और उस गड़रिये की एक एक चाल की मुझे सूचना दो। अब कोई भी उसके पास न्याय के लिए दोबारा आया तो उन लोगों को पकड़कर महाराज के दरबार में पेश किया जाए। महाराज भोज के होते हुए कोई गडरिया न्याय नहीं कर सकता। जाओ। एक रोज की बात है, राजा भोज के दरबार में एक ब्राह्मण न्याय मांगने पहुंचा। महाराज न्याय करो जी, महाराज न्याय करो। मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया जी। न्याय करो महाराज, न्याय करो। देवा। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कोई धोखा ना दिया। शांत हो जाओ तुम लोग, यह हमारा दरबार है, कोई बाजार नहीं। अब पूरी बात बताओ। अयो महाराज, मैं एक ब्राह्मण जी व्यापार करके अपनी और अपनी पत्नी का पेट भरता जी। एक दिन व्यापार करने को दूसरे राज्य में गया था जी। मेरे पास कुछ बहुमूल्य बोले तो जी, कीमती रत्न जी, जिसको मैंने अपना मित्र को रगनी को दिया जी। मैं इसको बोला लौट कर ले जाएंगे जी, और फिर लौटा तो लौटने पर लेने को गया था जी, पर ये मुझे देने को मना करता जी। अयो महाराज, देवा, ये बहुमूल्य जी, कीमती जी, रत्न जी, मेरे जीवन की पूजी। महाराज, अयो महाराज, इससे बोलो, ये मेरे पूजे, मेरे को लौटा दे। महाराज, ये सच तो बोल रहा है, परंतु अधूरा सच बोल रहा है। मतलब? जाने से पहले इसने मुझे 3 रत्न रखने के लिए दे दिए थे। जब ये कई महीने बाद ना आया तो मैं उन रत्नों को इसकी बीबी को वापस कर लिया आया था। यो, इसने मेरे को कोई रत्न नहीं लौटाई। महाराज, ये झूठ बोलती। क्या कोई है जो तुम्हारी इस बात को साबित कर सके? जी महाराज, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। ये मेरे गांव के मुखिया और ये पुजारी मेरे गांव के मंदिर के।
प्रणाम महाराज। जय राम जी की महाराज। महाराज, मैंने तीनों रत्न इस ब्राह्मण की पत्नी को लौटाए थे इन दोनों के सामने ही। बताओ, क्या ये आदमी सत्य बोल रहा है? जी हाँ महाराज, इसने हम दोनों के सामने इस महिला को तीनों रत्न लौटाए थे। क्यों पंडित? एकदम 16 आने सच महाराज। एक ब्राह्मण होकर झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम भरी सभा में अपने इस मित्र से क्षमा मांगो और हरजाने के रूप में 10 सोने के सिक्के इसे दो। अयो महाराज, दया करो जी, महाराज दया करो। मैं मेरी पत्नी सच बोल रहे जी, सच बोल रहे। पर आप जी क्षमा करे तो एक विनती करने को चाहती जी। आज्ञा है। मैं न्याय के लिए एक बार चंद्रपान के पास जाना चाहती जी। मैं जाना चाहती। कौन है ये चंद्रपान जो मुझसे राजा भोज से भी कुशल न्याय कर सकता है? महाराज, वो एक मामूली सा गडरिया हैगा और बच्चों के बीच में खेल खेलता रहे है। उसकी तुलना आपसे कोई झूठा ही कर सके। आप इस ब्राह्मण की बातों में मत आइए। अये महाराज, चंद्रमान भेड़ बकरी चराती, मैं मानती पर न्याय करने के लिए वो समूचे बोले तो जी पूरा राज्य में प्रसिद्ध। वो अनजाने में भी कभी गलत न्याय नहीं कर सकता जी। ठीक है, हम भी देखते हैं वो क्या न्याय करता है। देव महाराज, धन्यवाद बोल दीजिए। मैं चरण पकड़ के बोल दीजिए। मैं मेरी धर्म पत्नी दोनों पकड़ के बोल दीजिए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद महाराज। अरे क्या बात है, राजा बहुत देखते हैं करवाने के लिए। इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है यह चंद्रबान आज कोई बहुत बड़ी समस्या का न्याय करने वाला है। आओ आओ देखते हैं। ये पता लगाना सचमुच कठिन है कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। मुखिया जी कोने में। ये बताइए कि जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटाए थे वे कौन से रंग के थे और कितने बड़े थे? हाँ, तीनों रत्न नीले रंग के थे और वे नींबू जितने बड़े थे। ठीक है, निकलिए। पंडित जी आप भी कोने में। इस ब्राह्मण की पत्नी को जो रत्न लुटाए गए थे उनका रंग क्या था? लाल रंग के थे। और कितने बड़े थे? कितने बड़े थे? यही कोई चने के दाने जितने। ठीक है, आप जाइए। आप बहुत ही जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने पता लगा लिया है कि झूठ कौन बोल रहा है। ब्राह्मण और उनकी पत्नी झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तुम बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। खामोश। हाँ हाँ, हम क्यों झूठ बोलेंगे? राम 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 राम, झूठ और मैं।
अरे भैये, मैं तो भगवान का पुजारी हूँ। मुझसे ज्यादा शरीफ तो आपको पूरे गांव में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। भला मैं तो झूठ बोलूंगा? क्यों भाइयों, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? हैं? पंडित हूँ पंडित, शुद्ध घी में नहाया हुआ पंडित। अबे पंडित नहीं पोंगा, पंडित है जो मुखिया, गांव के मुखिया होकर झूठ बोले हो, क्या असर पड़ेगा पूरे गांव पर? अपने गांव के बच्चों को क्या यही शिक्षा दे रहे हो कि अपने ही गांव वालों को छल से लूट लो सिर्फ चंद सोने के सिक्कों के लिए? तुमने इस मुखिया उस पाखंडी पंडित को कितने सिक्के दिए थे झूठ बोलने के लिए, बताओ? परंतु तुम कैसे कह रहे हो कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? बड़ा होशियार बनता है। अगर इनसे झूठी बुलवाना था तो कम से कम इन दोनों को उस रत्न के रंग और वे कितने बड़े थे ये तो बता दिया होता, ताकि दोनों एक ही झूठ बोल पाते। मुखिया मुखिया कहता है कि रत्न नीले रंग के थे, ओ नीबू, ओ नीबू जितने बड़े थे। ये पंडित पंडित नहीं पोंगा पंडित है जो ये कहता है कि रत्न लाल रंग के थे और चने जितने बड़े थे। अगर तूने रत्न इन दोनों के सामने दिए थे तो इन्हें याद क्यों नहीं कि ये रत्न किस रंग के थे और कितने बड़े थे? तुम्हारी चोरी अब पकड़ी गई। अरे ऐसा भी हो सकता था, मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आई? अफसोस, अनजाने में मैंने उस ब्राह्मण के साथ अन्याय किया है। क्षमा क्षमा, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। इन रत्नों को देखकर मेरे मन में लालच आ रहा था। अब मैं इस ब्राह्मण के तीनों रत्नों को लौटा रहा हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे गांव के सामने तुम तीनों को एक दूसरे का कान पकड़कर 100 उठा बैठक लगानी पड़ेगी। राम 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 राम, 100 बार। गलत सुना, 200। चुप। अरे भैया तू मत बोल। और जो मानहानि तुमने इन इज्जतदार लोगों की है उसके लिए तुम तीनों को 100 सोने के सिक्के देने होंगे। अयो क्या न्याय जी, बोली ना बोली चंद्रमा, न्याय अच्छा कर दीजिए, अच्छा कर दी ना। एक दो तीन चार पांच जी। अयो क्या न्याय की है, चंद्रमान की जय, चंद्रमान की जय, चंद्रमान की जय। राम 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 राम, तुमने तो पूरे गांव में मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया है। और क्या, पता नहीं किस मनहूस पल में हमने इसकी बात मानी थी, अब कौन मुझे इस गांव का मुखिया मानेगा? चंद्रभान ने तो बहुत सही न्याय किया है। सचमुच बेटा, चंद्रभान कोई मामूली लड़का नहीं है। बेटे, मैंने तुम्हें न्याय करते देखा। कौन है आप? बेटे, जिस राज्य के तुम नागरिक हो उस राज्य का राजा मैं हूँ। मेरा नाम राजा भोज है। महाराज की जय हो। महाराज क्षमा करें, महाराज मैं आपको पहचान नहीं सका। ऐसा न्याय तो केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। तुम भेड़ बकरी चराने वाले, तुम ये न्याय कैसे कर लेते हो?
महाराज मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर लेता हूँ। जब भी मैं इस टील पर बैठता हूँ मेरे अंदर अपने आप ही ऐसी शक्ति आ जाती है कि मैं कोई भी न्याय कर लेता हूँ। ऐसी क्या बात है इस टीले में? पता नहीं महाराज। ध्यान से, बिना उस चीज को हानि पहुंचाए उसे बाहर निकालो। महाराज महाराज ये देखिए क्या निकला है इस टीले के नीचे से। शूरवीर और बलशाली राजा का सिंहासन लगता है। इस सिंहासन को अच्छे से साफ करके हमारे दरबार में रखा जाए। आज से हम इसी सिंहासन पर बैठेंगे। जो आज्ञा महाराज। ये सिंहासन जिस किसी भी राजा का रहा होगा, अब मैं इस पर बैठकर उसी राजा की तरह न्याय करूंगा।